अरे तुम यहाँ हो, बैठो भाई। शादी के लिए विजयवाड़ा जाना होगा। किसकी शादी? किसकी मतलब रिश्तेदारों की है, जरूरी है। मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं कहते बेटा, जाना ही पड़ेगा। मैं चला जाता लेकिन मुझे शहर जाके तुम्हारी बहन को हॉस्टल से लाना है, और वैसे भी वो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। कुछ समझे? आप जानते हैं मैं वहां नहीं जाऊंगा, फिर क्यों जिद कर रहे हैं? वैसे भी वो लोग बहुत अकड़ू हैं, मुझे नहीं रखना उनके साथ कोई रिश्ता। अरे ऐसे कहने से रिश्तेदारी थोड़ी ना खत्म हो जाती है, 4 दिन की जिंदगी में क्या बैर पालना। इनको अकेला भेज दिया ना तो बेकार में ही इनसे तरह तरह के सवाल करेंगे। मैं भी इनके साथ जाती हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। ए। मैं नहीं जाऊंगा। देखा आपने, आखिर मेरा ही बेटा है, इसने भी वहाँ जाने से मना कर दिया। अरे बैठो तो सही, ये नहीं गया तो क्या हुआ, महेश को भेज देना। बिल्कुल सही कहा, वो एक पैर पे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। एक मिनट सुनो, क्या हुआ? तुम बहुत हॉट लग रहे हो। आजकल के बच्चे भी कम नहीं है। क्या बात है, लगता है पूरा गांव स्टेज के ऊपर चढ़ा है, ऊपर कोई जगह ही नहीं बची। तेरा शादी करने का मन नहीं कर रहा? कर रहा है ना। अरे शादी वाली तो होती रहेगी, खाने का टेबल लग गया है, चलो चल के खाना खाते हैं। तुम्हारा बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो। नहीं मैं ठीक हूँ। अरे तुम तो घर के ही हो, चलो आओ। मम्मी पापा नहीं आए? कोई बात नहीं, मुझे पता था नहीं आएंगे, तुम तो आ गए ना, आओ। शांत हो जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना, प्रकाश का बेटा बिल्कुल हैंडसम और हीरो जैसा दिखता है, यही है वो। सुनना, मैं इसी की बात कर रही थी। बैठो। तुम क्या हैदराबाद में रहते हो? हाँ। तुम्हारा भाई आजकल क्या कर रहा है? बेटा तूने मुझे पहचाना नहीं? तेरी दादी और मैं बचपन में एक साथ खेला करते थे। तुम्हारी दादी जितनी सुंदर थी उतने सुंदर तुम नहीं हो। ये क्या, इससे गप्पे ही मारते रहोगे या फिर इसे खाना भी खिलाओगे? मैं खिलाऊंगी। ए तू बैठ, हम लोगों को अभी बहुत टाइम है, अभी तो सीनियर्स का टाइम है। रूबी ठीक है, मैं जाती हूँ। यस। मैं मॉडल कॉलेज से और मैं मॉडलिंग का कोर्स कर रही हूँ। मुझे गाना गाने का शौक है और मैं डांस भी कर लेती हूँ। एक बात तो मैं भूल ही गई, मैं नूडल्स भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, किसी दिन तुम्हें भी खिलाऊंगी। और भी बहुत कुछ आता है। हाँ अगर तुम एक और मिनट यहाँ रुकी ना तो मैं तुम्हें जोर से किस कर लूंगा। आई बड़ी। हंसा मत, बहुत अकड़ू है, इतनी आसानी से नहीं फंसेगा। तू चुप, मुझे तो अकड़ू ही पसंद है। मैं उसकी अकड़ निकालूंगी, अब क्वीन गीता का जादू चलेगा। तुम लोग मुझे ऑल द बेस्ट कहो। सुनो एक सिगरेट देना। माचिस क्या घर से लाऊं? चल यार। हेलो मिस्टर। सिगरेट? मेरा नाम है गीता। आ गई बायोडेटा देने।
सिगरेट दिखा के क्या साबित करना चाहते हो? मैं यहाँ कुछ साबित करने नहीं है, बस सिगरेट पीने आया। बातें बनाने में तो तुम उस्ताद हो। क्या यार गोपाल बख्शी, ये कौन है? मेरी तरह हैंसम है, होगा यहीं कहीं। जब कोई हसीन लड़की उससे बात करती है तो डर के मारे थर थर कांपने लगता है। तुम्हें अचानक उसकी याद क्यों आ गई? एक बात बताओ, मैं तुम्हें दिखने में कैसी लग रही हूँ? बताओ ना। अंकल बहुत पीली, घर जाओ। तुमने उसे यहाँ से भगा दिया, तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे। तुम चाहती हो मैं कुछ करूँ? जी जी जी, मैंने ऐसा कब कहा, कुछ भी मत बोलो ना। तो कह दो मुझ पर फिदा हो गई हो, मेरा भी कुछ यही हाल है। जाओ वरना फोटो खींच लेगी, जाओ। पसंद की लड़की सामने आ जाए तो कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है आज पता चला। सुनो, हेलो, ओ ब्लू शर्ट, तुम अपना सेल फोन भूल गए? जानबूझ के भूला था, ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। ओ, पता है रात को मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। क्यों? तुम्हें देखते देखते सुबह हो गई। पता नहीं किसका मुंह देख के उठा था, आजकल लड़कियां दो मिनट के अंदर ही फिदा हो जाती हैं। इसका सिर्फ राइट प्रोफाइल देखा है, लेफ्ट भी देखना पड़ेगा। नहीं, राइट ही ठीक है। ये देखो, ये हीरो फिर से शुरू हो गया। ये क्या कर रहे हो, कभी इधर कभी उधर, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? सेल नंबर दे दो। डैडी का नंबर है, मेरे पास फोन नहीं है। तो डैडी को ही ट्रेन में भेजती, तुम क्यों आ गई? चलो एड्रेस ही दे दो। यहाँ से राइट लेके लेफ्ट ले लेना, वही ऑटो स्टैंड है। बेचारी को ऑटो स्टैंड जाना था तो मैंने रास्ता बताया। अटक बंद कर, मुझे मालूम है तो उसे पटाने की कोशिश कर रहा था। बहुत तेज हो गए भैया, मेरी संगत का असर है। चल छोड़ ना, बातें करना को तुझसे सीखे। आपके दोस्त काम वाम करते हैं या बेरोजगार हैं? वही ढाक के तीन पात हैं। कहाँ वो लोग? वही बैठे होंगे बाहर कहीं। सुन कांता, उन दोनों को घर में मत आने देना। माँ रुको, आ रही हूँ मैं, वही रुको, अंदर मत आना। माँ मना किया था ना, आ ही गए ना। तू तो बड़ा है, तू तो समझा सकता था ना, और इसको तो कुछ अकल ही नहीं। इसको कोई नजर नहीं लगेगी माँ। तू चुप रह, ये सब तू नहीं समझेगा। बुरी नजर लग जाए तो पत्थर को भी तोड़ देती है, समझा? हो गया माँ, थूको भैया। तू ही थूक। अरे रे रे, छोड़, उसकी भी नजर उतारनी है। कैसी है बुढ़िया? आ गया। गया ही कब था? अच्छा, छोड़ ना। अरे पतली हो गई है, खाना नहीं ठूस रही। तेरी फिक्र जो रहती है। अच्छा, तू एंटिक पीस नहीं, डेंजर पीस हो गई है। तो छोड़ छोड़ छोड़, नहीं तो तेरी माँ को बोल दूंगी। माँ को क्या बोलोगी, माँ सब जानती है। ये छोटा भी ना। बिस्किट बिस्किट बिस्किट, आ जाओ, ये रहा हमारा। लाओ सामान मुझे दो बेटा। चाचा जी, आप यहाँ कैसे? सासू माँ, ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। ऊपर वाले की माया देखो, मैं शादी में नहीं पहुँच पाया तो उसने आप सबसे ट्रेन में मिलवा दिया। आप दोनों की किस्मत अच्छी है कि शालिनी जैसी बहू मिली, और शालिनी की किस्मत अच्छी है कि आप जैसे सास ससुर मिले, और मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे भारतीय रेल की वजह से आप जैसे अच्छे लोग मिल गए। चाचा जी को सब लोग अच्छे ही नजर आते हैं, क्योंकि चाचा जी खुद बहुत अच्छे हैं। कहाँ काम करते हो बेटा? साउंड एंड विजन। अच्छा अच्छा अच्छा। सुनिए जी, ये लड़की बहुत सुशील है, हमारे बेटे के लिए कैसी रहेगी? पापा आप दो मिनट बैठेंगे? क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ? बहुत जरूरी बात है। आते वक्त ट्रेन में प्रकाश अंकल मिले थे, उनकी बेटी मेरे सास ससुर को बहुत पसंद आई।
सिर्फ पसंद ही नहीं आई, वो रिश्ता भी जोड़ना चाहते हैं। बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं यूएस जा रही हूँ इसलिए उनसे बात नहीं कर पाऊंगी, तो रिश्ते की बात आप ही को करनी होगी, सब कुछ आप ही को संभालना होगा। एक और बात, इस रिश्ते के लिए देर मत कीजिएगा, गड़बड़ तो नहीं होगी ना, बाकी मैं आके देख लूंगी। अरे वाह तेरे ससुराल वाले, उन लोगों को पूरी दुनिया में दूसरा कोई रिश्ता नहीं मिला क्या? और तुझे क्या लगता है, तेरे ससुराल वाले बिल्कुल सही कर रहे क्या? दिमाग घूम गया उन लोगों का। तुझे पता है रात को सोते हैं तो पता नहीं होता सुबह खाएंगे क्या, और सुबह सोचते हैं कि कमाएंगे क्या। हमारी और उनकी कोई बराबरी नहीं हो सकती। अगर धरती भी उल्टा घूमना शुरू कर देना तो भी उनके अच्छे दिन नहीं आएंगे, उनके चक्कर में हम अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। इतना पढ़ लिख के तू भी अनाड़ी की तरह बात कर रही है। आप भी पापा, वो लोग कैसे भी हैं, हमारे दूर के रिश्तेदार लगते हैं। आप लोग ही बताइए मैं क्या गलत बोल रही हूँ। तुम चुप क्यों हो गीता, तुम भी तो कुछ बोलो। मैं तो एक बात जानती हूँ, रिश्ता जोड़ने से पराए भी अपने हो जाते हैं। पापा अगर उससे इतना चिढ़ते हैं तो मेरा क्या होगा? दादी टीवी पर देखो एंटिक पीस कैसे बढ़िया गाना गा रही है, और एक आप हो बस खा रही हो और फूल रही हो। आपको भी ऐसा गाना सीखना होगा। बस अब यही बाकी था, भगवान इनको बुद्धि दो, मुझे गाने को कहता है खुद फालतू घूमता है। भैया ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? मैं बीच में कुछ नहीं बोलने वाला। महेश बेटा ये ले तेरी कॉफी। क्या ताली मारने से आ जाएगा, खुद उठ और ले ले। देखती जाओ। समझ गई बाबा समझ गई, दिन ब दिन आलसी होता जा रहा है। धन्य हो तुम लोग, तुम जैसा आलसी नहीं देखा। इस हाथ में 12 चूड़ियां थी और इस हाथ में 18, सब तुम्हारे दादा ने बेच दी। सोचा था तुम लोग कमाकर फिर बनवा दोगे, लेकिन एक टीवी देखता है और दूसरा आवारा है। ज्यादा बोला तो मार के लाश अलमारी में छुपा दूंगा। सपने देखना बंद कर, तूने मार दिया ना तो इस घर में भूत बनकर भटकूंगी। बहुत बोल रही है अभी दिखा। हाँ बताती हूँ। छोड़ छोड़। Excuse me, who is in the home? I'm asking who is in the home? क्यों बे इंग्लिश, हिंदी नहीं आती क्या? आती है। अच्छा ये बताओ घर में कितने लोग हैं? क्यों बे? सेंसस डिपार्टमेंट से हूँ। कितने लोगों का सेंसस किया? आज धंधे का पहला दिन है, शुरुआत आप ही से कर रहा हूँ। हटो देखने दो। आंखें मत फाड़ मैं बताता हूँ। ठीक है। वो देख वो मोटी बुढ़िया दिख रही है। बुढ़िया का नाम बोलो। चुबे बुढ़िया सिर्फ मैं बोल सकता हूँ, उसने सुन लिया तो बहुत मारेगी, दीवार में चुनवा देगी। समझ गया, आप ही बोलो वरना पहला दिन आखिरी दिन हो जाएगा। मेरे पिता माँ बहन और मेरे भैया, टोटल 6 हैं। आपको मुबारक हो सर, 6 मेरा लकी नंबर है। हाथ चेक करो सर। पहले हाथ धो के चल। कितने लोग रहते हैं? अरे इसे भूल गया, इस घर में कितने लोग रहते हैं? कहाँ चला गया वो? अरे बताओ ना कितने लोग रहते हैं? यहीं कहीं होगा, मैं बुलाता हूँ। वो गया तेल लेने, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? जानबूझ के भूला था। तुम जानबूझ के मुझे भूल गए, मुझे पता है तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। मतलब जानबूझ के नहीं भूला। आप झूठ बोल रहे हो, ये गलत है। मुझे कोई भी इस परिवार का हिस्सा नहीं मानता। फिर शुरू हो गया। आप भी मुझे इस परिवार का हिस्सा नहीं मानते। ए क्या चल रहा है? आप ये पापा को बता देगी? मर गए। क्या हुआ, तू नहीं सुधरेगा है ना, हमेशा उसे परेशान करता है। वीना ये रोना तो ना किस लिए? यहाँ कोई भी मुझे परिवार का हिस्सा नहीं मानता। सेंसस में मेरा नाम भी नहीं डाला इसने। किसने? एक ही तो है। हाँ? छोटे ने या बड़े ने? यहाँ कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। क्यों नहीं करता, मैं हूँ ना। चलो यहाँ चलो, जरा आईने में अपनी शक्ल देखो, जरा देखो तो सही, रोते हुए कैसी दिखती हो तुम? नहीं देखना। किसी के कुछ बोलने से क्या तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं रहोगी? सुन लो ये सीता का घर है, ठीक है ना? अब तू चाहे जिसे इस घर में रखे, जिसे चाहे निकाल दे, समझी? ठीक है। अरे जरा आईना देख। बस आप ही मुझसे प्यार करते हैं और कोई नहीं करता।